नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, कभी कभी जब आपका लैपटॉप ऑन होता है तो आपको कुछ एरर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर डायग्नोजिंग योर पीसी, या फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा हो सकता है कि एडवांस रिपेयर और रीस्टार्ट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आपकी हार्ड ड्राइव की वजह से आती है और आपको उसको स्कैन करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ऑटोमेटिक रिपेयर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है, आप अपनी हार्ड ड्राइव को स्कैन कैसे कर सकते हो। आपको सिंपली एडवांस पे जाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं, आपको ट्रबल शूट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एडवांस ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद दोस्तों एडवांस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप कोई अपडेट्स आया है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, स्टार्टअप रिपेयर चला सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक यूज़र आपको दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, और अगर आपका कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड डालना है, अदरवाइज़ दोस्तों आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाता है, कुछ इस तरीके का ब्लैक स्क्रीन एक आती है। यहाँ पर दोस्तों आपको कमांड के थ्रू आपके जो हार्ड ड्राइव है उसके बैड सेक्टर्स निकालने होते हैं। तो दोस्तों मैं पहले एक कमांड डाल देता हूँ, chkdsk। दोस्तों ये जो कमांड होती है वो चेक डिस्क की होती है, अगर आपकी हार्ड ड्राइव में कुछ बैड सेक्टर्स हैं, और आपको सिंपली एंटर कर देना है chkdsk टाइप करके। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ लैपटॉप में ये कमांड वर्क नहीं करती। उसके बाद एक और मैं कमांड आपको दिखा देता हूँ, स्कैन नाउ scan now और उसके बाद /sfc। ये भी दोस्तों अगर वर्क नहीं करे तो फाइनली मैं एक कमांड आपको बताता हूँ, वो आप टाइप करना है उसको, क्योंकि दोस्तों सी ड्राइव के अंदर आपकी विंडो डली हुई होती है, तो आपको स्पेसिफिक सी ड्राइव के थ्रू ही चेक डिस्क चलाना होगा। उसके लिए आपको टाइप करना है chkdsk /c, उसके बाद डॉट्स, उसके बाद /denf। आप जैसे ही एंटर करोगे तो दोस्तों आपके सामने ना कुछ स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है, stage 1, stage 2 और stage 3 के बेसिक पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 स्टेज में ये जो स्कैनिंग है वो चलती है आपके सिस्टम के अंदर, आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपका सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा बैड सेक्टर्स हैं तो टाइम भी ले सकता है, आपको प्रॉब्लम नहीं करनी। तो दोस्तों कभी कभी सिस्टम जल्दी भी हो जाता है, आप देख सकते हो कि अभी stage 2 पर है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर्स कम हैं तो दोस्तों वो जल्दी रिपेयर हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो टाइम भी ले सकती है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर आपके सिस्टम में आपको दिख जाएगा System 32, मतलब आपकी जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो कमांड है वो एग्जिट हो चुका है। अब दोस्तों आपको सिंपली Alt F4 टाइप कर देना है, आप देख सकते हो Alt F4 टाइप करने से आप एग्जिट हो जाओगे, और आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद दोस्तों मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो लैपटॉप है वो ऑन हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता तो दोस्तों जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसमें हो सकता है विंडोज़ की कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा अपडेट आया है जो कि आपकी विंडोज़ को ओपन नहीं होने दे रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लैपटॉप है वो अपना प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।